क्या आप ये जानना चाहते हैं कि थोड़े से वक्त के अंदर किस तरीके से आप डीएनए के एक सैंपल को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करके बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल बना सकते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर्स एचआईवी के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए और हेपेटाइटिस सी के लिए पीसीआर टेस्ट क्यों रिकमेंड करते हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं हूँ डॉक्टर आसिम महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स पे। और आज हमने बात करनी है एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक की, जैसे कि आपको बोर्ड पे नाम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इट्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, जब से नेशनल एमडी कैट का मामला चल रहा है और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने नम्स के थ्रू अपना कॉमन सिलेबस दिया है, तो उसमें दो तीन टॉपिक्स ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत उनको तंग कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहे हैं कि उनको कहाँ से पढ़ा जाए और कैसे किया जाए। उनमें से एक जो टॉपिक है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। और मुझे मेरे चैनल पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट कमेंट्स की सूरत में, मैसेजेस की सूरत में मेरे फेसबुक पेज पे इधर उधर बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ऊपर एक वीडियो करूं। तो बस आइए इसको देख लेते हैं आज। बिल्कुल आसान प्रोसेस है, बहुत जल्दी आप इसको समझ लेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जितना आसानी के साथ इसको आपको समझा सकूँ उसको समझाऊँ। तो देखिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जब हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को देखते हैं तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ने जो अपना नाम ड्राइव किया है वो बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से ड्राइव किया है। तो डीएनए पॉलीमरेज से हमने पॉलीमरेज उठाया। चेन रिएक्शन को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बार बार होता जाएगा, बार बार होता जाएगा, बार बार होता जाएगा। जैसे चेन रिएक्शन होते हैं वो चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, अनलेस कि हम उनको स्टॉप ना करें। तो डीएनए पॉलीमरेज ने उससे अपना नाम इसने लिया चेन रिएक्शन, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है। शॉर्ट फॉर्म जो पूरी दुनिया में इसकी मशहूर है वो पीसीआर है। तो ये टेक्निक जो है वो 1983 एडी में एक बहुत ज़बरदस्त अमेरिकन बायोकेमिस्ट है, उनका नाम था डॉक्टर कैरी बैंक्स मुलिस, कैरी बी मुलिस भी इनको कहते हैं, उन्होंने जो है इसको इन्वेंट किया। और ये इतनी सिग्निफिकेंट थी कि इसी डिस्कवरी इन्वेंशन के ऊपर 1993 में इनको जो है वो केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड भी अवार्ड किया गया। याद रहे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम लोग करते क्या हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम इवन एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से उसके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इसलिए ये एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रोसेस है। पीसीआर टेक्निक की इन्वेंशन से पहले जो मेथड थे डीएनए को रेप्लिकेट करने के, वो बहुत जो है वो कॉम्प्लिकेटेड मेथड थे, बड़े एक्सपेंसिव मेथड थे। बट ये जो मेथड है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी डूइंग मेथड है और बहुत जल्दी से बहुत आसानी के साथ हो जाता है। तो जब हम इसको देखते हैं तो पता लगता है, जैसे मैंने आपने डिस्कस किया है कि इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टेक्निक में आप डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस्तेमाल करते हैं और ये कॉपी ऑफ डीएनए बनाता है अगेन एंड अगेन। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा और चलता जाएगा। याद रहे, इट इज़ द अमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ साइंटिफिक वर्ल्ड। जब हम जेनेटिक्स के और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेवल पर बात करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है वो इन्वेंशन है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी इन्वेंशन है कि इस पर कैरी बी मिलिस को नोबेल अवार्ड भी अवार्ड किया गया। अब जब इसके बेसिक हमने समझ लिए तो अब मैं आपके साथ बात करूंगा कि कौन कौन सी रिएक्टेंट्स या कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को करने के लिए। अब हम उसकी बात करते हैं। याद रखिएगा, आजकल हमारे पास डिफरेंट मशीनें हैं जिनको हम पीसीआर मशीन या थर्मोसाइक्लर्स कहते हैं, उनके अंदर ही प्रोसेस ऑटोमेटेड तरीके से होते हैं। बट वो कैसे होता है, तो मैं पहले आपसे उसकी रिएक्टेंट की बात करूंगा, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि ये प्रोसेस एक्चुअल में होता कैसे, और उसके बाद आखिर में हम देखेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और हम इसको कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट को देखना शुरू करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, मैं आपसे बात कर रहा हूं पीसीआर की, और मैंने आपसे पीसीआर के इंट्रोडक्शन की बात की। अब इस सेगमेंट में मैं आपसे बात करूंगा पीसीआर मिक्सचर की, जिसको हम रिएक्शन मिक्सचर भी कहते हैं। बेसिकली पीसीआर मिक्सचर या रिएक्शन मिक्सचर होता क्या है? ये कलेक्शन है उन सब्सटेंसेस की जो हमें डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, अब ये दो तीन दफा जो मैंने टर्म इस्तेमाल किए डीएनए को एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। यानी हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल है, हम उसकी जैसे और डीएनए बनाना चाह रहे हैं, तो हम उसको नंबर को बढ़ाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल करेंगे वो इसके रॉ मटेरियल या इसके इंग्रेडिएंट या मटेरियल होंगे जो हमें पीसीआर के लिए रिक्वायर्ड होंगे। अब आप याद कर लीजिए कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने के लिए हमें चार मटेरियल्स की जरूरत होती है। उनमें से जो सबसे पहला मटेरियल हमारे पास है वो हमारा टेम्पलेट डीएनए या टारगेट डीएनए होता है। देखें, फर्ज करते हैं कि एक आदमी है, उसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी है। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी बॉडी का फ्लूइड लेंगे, क्योंकि आपको पता है हेपेटाइटिस बी ब्लड में, सीरम में इस जगह मौजूद होता है।
तो हम उसका सीरम लेंगे। अब उस सीरम के अंदर अगर एक हेपेटाइटिस बी का डीएनए भी हुआ तो वो डीएनए हमारा टारगेट डीएनए होगा, क्योंकि हमें उसको एम्पलीफाई करना है। तो टारगेट डीएनए से मुराद होती है डीएनए टू बी एम्पलीफाइड, यानी वो डीएनए जिसकी हमें कॉपीज बनानी है, जिसको हमने एम्पलीफाई करना है। तो इट इज डीएनए टू बी एम्पलीफाइड, जिसको हमने नंबर उसको बढ़ाना है। अच्छा, अब आपको बताया जब भी डीएनए रेप्लीकेट करता है तो डीएनए को रेप्लीकेट करने के लिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों की जरूरत होती है। एक, उसको न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं, और नंबर टू, उसको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है। तो दूसरी चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे प्राइमर्स। अच्छा, अब डीएनए रेप्लिकेशन आप लोगों ने पढ़ी है और आपको पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं वो पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को, रेप्लिकेशन के प्रोसेस को शुरू नहीं कर सकते, वो एक शुरू हुए प्रोसेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके रीजन आपको मालूम है, आपने रेप्लिकेशन और डीएनए पढ़ी भी है। तो दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए प्राइमर्स, क्योंकि जब हम अपने टारगेट डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग करेंगे, मैं आगे आपसे बात करूंगा इसकी, तो आप देखेंगे प्राइमर्स उस स्ट्रैंड पे जाके अटैच हो जाएंगे, और जब वो प्राइमर्स उस स्ट्रैंड पे जाके अटैच हो जाएंगे तब डीएनए पॉलीमरेज आएगा, और डीएनए पॉलीमरेज उन डीएनए के मॉलिक्यूल्स की रेप्लिकेशन शुरू करेगा। तो हमें प्राइमर्स की जरूरत लाजमी होगी, अदरवाइज हमारे पॉलीमरेजेस जो है वो काम नहीं करते। तीसरी चीज, डीएनए बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए होंगे, तो हमें डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट्स की जरूरत होती है। यही डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट जब डीएनए में जाते हैं और अटैच होते हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में अटैच होते हैं। तो आपको पता है डीएनए में चार तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड और थायमिन न्यूक्लियोटाइड। तो हमें चार तरह के न्यूक्लियोटाइड की जरूरत होगी, क्योंकि हमें डीएनए को एम्पलीफाई करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें एक बहुत स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं टैक पॉलीमरेज। याद रखिएगा, ये जो टैक है इज द शॉर्ट फॉर्म फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। तो ये जो टी है ये हमने थर्मस से लिया हुआ है, ये मैंने यहाँ लिखा है, ये आप लोगों के लिए, और ये जो ए और क्यू है ये हमने एक्वेटिकस से लिया। बेसिकली थर्मस एक्वेटिकस इज अ बैक्टीरियल स्पीशी, तो ये बैक्टीरिया है, और ये बात देखी गई कि ये वो बैक्टीरिया है जो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर पाया जाता है, और ये 115 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेता है, विच इज़ वेरी वेरी इनॉर्मस एंड वेरी वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी एबिलिटी। आपको मालूम है कि एंजाइम जो होते हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर, और प्रोटीन जो है ज़्यादा हीट देने से डी नेचर हो जाती हैं, बट एवोल्यूशन में इस बैक्टीरिया ने अपने आप को इस तरीके से इवॉल्व किया कि ये बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ये बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा टेम्परेचर है। तो इसलिए टैक पॉलीमरेज ने इस काम को जो है वो मेक श्योर किया कि हम जो है वो पीसीआर के प्रोसेस को कर सकें। तो ये वो डिफरेंट इन्ग्रीडियंट्स हैं जो हमें पीसीआर के लिए चाहिए। अब इन चारों इन्ग्रीडियंट्स के मिक्सचर को हम पीसीआर मिक्सचर का या रिएक्शन मिक्सचर का नाम देते हैं, और यही पीसीआर मिक्सचर या रिएक्शन मिक्सचर हमारे थर्मोसाइक्लर या पीसीआर मशीन के अंदर मौजूद होता है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो टारगेट सैंपल होता है उसको हम डालते हैं किसके अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। उस टेस्ट ट्यूब के साथ मिक्स करते हैं किसको, पीसीआर मिक्सचर को। अब अगर हमारे उस टारगेट सैंपल के अंदर, उस टारगेट सीरम के अंदर, या जो भी हमारे स्पेसिमेन है उसमें अगर एक डीएनए का मॉलिक्यूल भी होगा तो ये टेक्निक उसको एम्पलीफाई करके मिलियन एंड मिलियन ऑफ कॉपीज उसमें बना लेगी। अब इस लेक्चर के इस तीसरे सेगमेंट में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से पीसीआर का प्रोसेस रन करता है, कौन से तीन स्टेप हैं जिनकी मदद से डीएनए एम्पलीफाई होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस की। तो आइए चल के हम इसके प्रोसेस को स्टडी करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर की, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन काम कैसे करता है। इससे पहले कि मैं आपसे पीसीआर के मैकेनिज्म शुरू करूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर अब तक आपको पसंद आ रही है, और उम्मीद है आ रही होगी, तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको इससे फायदा हो। मुझे आप लोगों से सिर्फ ये एक शिकायत है, मेरे चैनल पे 50% से ज़्यादा व्यूज़ वो हैं, ऑडियंस वो है जो चैनल सब्सक्राइब किए बगैर मेरी वीडियो देखती है। तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर हिट कर दीजिए, अभी इसी पर कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अब हम देखते हैं ज़रा हमारे तीसरे स्टेप में कि मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर जो है वो क्या होता है, और ये मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके, और बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको सारे का सारे प्रोसेस समझ में आए। लेट सपोज कि ये आपके पास आपका एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, लेट सपोज ये आपके पास एक आपका डीएनए का मॉलिक्यूल है। नाउ दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, तो इसको हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो स्मॉल डी और स्मॉल एस है ये डबल स्ट्रैंडेड को शो कर रहा है। पीसीआर के पहले प्रोसेस को हम नाम देते हैं, पीसीआर के जो पहला स्टेप है, मैं इसको यहां पर अलग कलर से मेंशन कर देता हूं, ब्लू मार्कर से मेंशन कर देता हूं, द प्रोसेस इज कॉल्ड डी नेचुरेशन। डी नेचुरेशन, नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ
पीसीआर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा टारगेट डीएनए है इसको हम हीट करते हैं, इसको हम हीट करते हैं, हीट अप टू 95 डिग्री सेल्सियस। और याद कर लीजिए ये जो हम इसको 95 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप करते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करते, ये हम इसको सिर्फ एक मिनट के लिए करते हैं, इसको हम ये सिर्फ एक मिनट के लिए जो है फॉर वन मिनट हम इसको हीट करते हैं अप टू 95 डिग्री सेल्सियस। अब ये हीट करने से फ़ायदा क्या होता है, हीट करने से फ़ायदा ये होता है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है हमारा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के, हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के दो स्ट्रैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इनको नाम देते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स का। अब हम इसको किसके नाम देते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल का। तो पहले स्टेप में डीनेचुरेशन में हमें फ़ायदा क्या हुआ, डीनेचुरेशन में हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारा जो डबल हेलिक्स था वो खुल गया। और आपको पता है, आपने रेप्लिकेशन और डीएनए पढ़ी है, कि जब तक डबल हेलिक्स खुले नहीं तब तक रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। अच्छा, अब ये पहला स्टेप हमारा हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में इसी पीसीआर मिक्सचर को जिसको हमने 95 डिग्री सेल्सियस तक हीटअप किया हुआ है, अब हम इसको ठंडा करेंगे, अब हम इसको कूल डाउन करेंगे। और ठंडा करने को, कूल डाउन करने को अंग्रेजी में एनीलिंग का प्रोसेस कहते हैं। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप के अंदर हम, सेकंड स्टेप के अंदर हम, इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो याद करने में, हम एनीलिंग करेंगे, हम एनीलिंग करेंगे, ठीक हो गया। और याद रखिएगा, ये जो एनीलिंग होती है ये एक खास मकसद के लिए होती है, और वो मकसद क्या होता है उसको मैं एरो को नीचे डायरेक्शन में कर देता हूं, ये मैं एरो को नीचे कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये एनीलिंग क्यों हो रही है। नाउ ये आपका एक स्ट्रैंड था डीएनए का, ये आपका दूसरा स्ट्रैंड था डीएनए का। अब ये एनीलिंग इसलिए की गई है ताकि इस डीएनए के साथ प्राइमर आके अटैच हो जाए, ताकि इस डीएनए के साथ प्राइमर आके अटैच हो जाए। अब चूंकि ये एनीलिंग प्राइमर्स को अटैच करने के लिए की गई है, इसलिए इस प्रोसेस को प्राइमर एनीलिंग कहते हैं, प्राइमर एनीलिंग। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो सॉल्यूशन है उसमें जो पीसीआर मिक्सचर है, पीसीआर मिक्सचर इस कूल डाउन, इस कूल डाउन टू 55 डिग्री सेल्सियस। तो देखें, पहले 95 तक हीट किया, फिर 40 डिग्री कूल करके 55 डिग्री सेल्सियस तक उसको कूल डाउन किया गया। ये क्या करता है, ये अलाउ करता है, अलाउ करता है प्राइमर अटैचमेंट। तो ये प्राइमर अटैचमेंट को अलाउ करता है। तो अब हमारे डीएनए प्राइमर जो है वो अटैच हो गए हैं किसके साथ, डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड के साथ। नाउ वी आर ऑल सेट टू रेप्लिकेट द डीएनए मॉलिक्यूल। तो अब हमारा तीसरा रिएक्शन आ जाएगा, मगर उससे पहले मैं यहां भी लिख दूं कि ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है प्रोसेस डीनेचुरेशन का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। उसके बाद अब जो तीसरा हमारा प्रोसेस है, तीसरा जो हमारा प्रोसेस आएगा, मैं एरो ऐसे लगा देता हूं, जो हमारा थर्ड प्रोसेस है, नाउ दिस थर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। द थर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो इस एक्सटेंशन ऑफ पॉलीमराइजेशन में क्या किया जाता है, अब टैग पॉलीमरेज आके अटैच होगा, हम सॉल्यूशन को थोड़ा सा हीटअप करेंगे, और यहां जो हमारा टेम्परेचर होगा वो हम टेम्परेचर को 72 डिग्री सेल्सियस तक वो लेके जाएंगे, 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लेके जाएंगे। टैग पॉलीमरेज अटैच होगा और टैग पॉलीमरेज रेप्लिकेट करवाएगा डीएनए को, टैग पॉलीमरेज विल रेप्लिकेट अ डीएनए। अब आप समझ रहे हो कि जैसे ही ये इसके साथ आके अटैच होगा और इस सारा प्रोसेस होगा, तो हमारे पास यहां पर एक डीएनए के स्ट्रैंड से, हमारे पास यहां पर एक डीएनए के स्ट्रैंड से दो डीएनए जो है वो फॉर्म हो जाएंगे इस तरह से, हमारे पास ये दो डीएनए फॉर्म हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि एक साइकिल के अंदर हमारे पास कितने डीएनए बन गए, एक साइकिल के अंदर हमारे पास दो डीएनए बन गए। उसके बाद क्या होगा, आगे आप समझदार हैं, इट्स ए साइक्लिक प्रोसेस। अब हम इन दोनों डीएनए मॉलिक्यूल को हीट करेंगे टू डीनेचर देम, उसके बाद प्राइमरी एनीलिंग, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। दो डीएनए से चार बनेंगे, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, और ये प्रोसेस बढ़ते 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 जब हम 32 साइकिल इसकी कंप्लीट कर लेंगे, तो ये एक डीएनए मॉलिक्यूल, एक डीएनए मॉलिक्यूल हमें
33 मिलियन मैंने किताब में पढ़ा, 33 मिलियन यानी तकरीबन 3.25 करोड़ डीएनए के जो है वो मॉलिक्यूल हमें दे देगा। इसीलिए पीसीआर टेक्निक की मदद से किसी शख्स के अंदर कोई वायरल डिजीज या कोई जेनेटिक डिजीज जो कि डीएनए के अंदर मौजूद हो, अगर बहुत ही बेसिक लेवल पर हो तब भी आइडेंटिफाई की जा सकती है। तो बहुत ही कमाल का ये प्रोसेस है, बहुत ही कमाल की ये टेक्निक है। तो ये पूरा मैंने आप लोगों के लिए ये सारा बना लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पीसीआर का सारा मैकेनिज्म आपकी टिप्स के ऊपर आ गया होगा, आपको बिल्कुल याद हो गया होगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इस लेक्चर के लास्ट हिस्से में मैं आपसे बात करता हूँ कि पीसीआर के एडवांटेजेस क्या हैं, तो मेरे साथ रहिए। जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने बात करनी है एडवांटेज ऑफ पीसीआर की, कि हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते क्यों हैं। बहुत सारे इसके एडवांटेज होते हैं। अब आप तो आप समझ गए होंगे कि आप कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल अगर एम्पलीफाई करना चाहते हो तो आप इस टेक्निक की मदद से एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो पहली बात, आप वायरल इन्फेक्शंस को, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, कैंसर्स को इस टेक्निक की मदद से पहचान सकते हैं। आपको पता है कैंसर जो होते हैं वो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होते हैं आमतौर पर, और हर कैंसर के पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन होते हैं जो म्यूटेशन करके जो है उस कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं। तो उस जीन को आइडेंटिफाई इस टेक्निक की मदद से किया जा सकता है बहुत अर्ली लेवल पर। इसी तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर भी आप समझ सकते हैं, डीएनए में अगर एबनॉर्मलिटी होगी तो हम पीसीआर से उस एबनॉर्मलिटी को मैग्नीफाई करके, एम्पलीफाई करके पता चला सकेंगे। इस तरह वायरल इन्फेक्शन जैसे एचआईवी किसी को अगर है तो डॉक्टर कहते हैं पीसीआर जाके करवाएं। इस तरीके से किसी को हेपेटाइटिस बी है, किसी को सी है, आज के लिए आपने वो कोविड का देखा कि कोविड का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसके लिए वो पीसीआर ही करवाते हैं, है ना। ओके, नंबर टू, फॉरेंसिक मेडिसिन में इसका बड़ा रोल है। आपको पता है क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर मैंने पूरा लेक्चर आप लोगों के साथ किया भाई, आप उस लेक्चर को देख चुके हो, नहीं देखा तो जाके देखो। तो क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी अगर आप पास एक सैंपल डीएनए भी हो या थोड़े से डीएनए भी हो तो इस टेक्निक की मदद से आप एम्पलीफाई कर सकते हैं। नंबर थ्री, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पता चलाने के लिए। से फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसे इंसान की मम्मी मिली या आपको एक ऐसे इंसान का स्केलेटन मिला जो आज से 50,000 साल पहले दुनिया में था, आपने उसका डीएनए निकाला, उसको पीसीआर मशीन में एम्पलीफाई किया, उसको स्टडी किया, देखा कि उस जमाने के डीएनए में और आज के जो इंसान हैं उनके डीएनए में क्या चेंजेस आई हैं, तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को असेस करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और डिटेक्शन ऑफ वायरल लोड इवन एट स्मॉल लेवल, जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर आपके ब्लड में एक डीएनए भी किसी वायरस का है, यानी बहुत ही अर्ली स्टेज भी है किसी डिजीज की, तो आप इस टेक्निक की मदद से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्लोनिंग के अंदर इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है, और जो क्लोन हमारी जीन होती है, जो डिजायर्ड जीन होती है, उसकी मल्टीपल कॉपीज भी इस टेक्निक की मदद से बनाई जा सकती हैं। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट पीसीआर। मैं उम्मीद करता हूं कि पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके तमाम के तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसके अंदर हल हो गए होंगे। अब आखिर में फिर वही रिक्वेस्ट जो मैं आपसे बार बार करता रहता हूं कि काइंडली अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो नया लेक्चर आए उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।